अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपके साथ नताशा सेठी, एडवोकेट हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन झेलम से। और आप हैं फखरे वकालत अकेडमी के पेज पे, आप यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं, जिस पर हम आज हमने सेशन रखा था और हम लॉ गेट को डिस्कस कर रहे थे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सेशन बहुत अच्छा हुआ, जिसमें बहुत सी ऑडियंस ने ज्वाइन किया, बहुत से मेरे हुए जिनको अब हम आपसे डिस्कस भी करेंगे और आपसे शेयर भी करेंगे कि लॉ गेट में हमारे पास आज क्या है और हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज लॉ गेट। तो लॉ ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट इन पाकिस्तान इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर LLB ग्रेजुएट सीकिंग बार काउंसिल एनरोलमेंट administered by the Education Testing Council and Higher Education Commissions. It evaluates legal knowledge, skills, and readiness for a legal career. It is worth mentioning here that a 50% score is required to pass the law graduate assessment test, law GAT. Simple yahan par hamare paas hai ki ji Pakistan mein jo law graduate hai jinhone लाइसेंस लेना है, जिन्होंने आके प्रैक्टिस करनी है, जिन्होंने वकालत कंटिन्यू करनी है, उनके लिए ये टेस्ट रखा गया है और इसको 50% वाले पास कर सकते हैं और अपना लाइसेंस ले सकते हैं। ठीक हो क्या? वो स्टूडेंट्स जिन्होंने LLB क्लियर कर लिया है वो इसको पास करके अपना लाइसेंस लेकर अपनी लॉ की प्रैक्टिस को स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे लॉ गेट का सिलेबस। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है सिलेबस आपका, जो HSC ने और पाकिस्तान बार काउंसिल ने अप्रूव किया है। सबसे पहले आपके पास है कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान 5 मार्क्स की, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 10 मार्क्स का, इंटरनेशनल लॉ 5 मार्क्स का, इंग्लिश जूरिसप्रूडेंस 5 मार्क्स का, इस्लामिक जूरिसप्रूडेंस 5 मार्क्स का, सिविल लॉ 20 मार्क्स का, पाकिस्तान पीनल कोड 10 मार्क्स का, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 10 मार्क्स का, लॉ ऑफ एविडेंस 20 मार्क्स का, प्रोफेशनल एथिक्स 10 मार्क्स के। अब यहाँ आपके साथ मार्क्स क्यों शेयर किए गए हैं, उसकी रीजन ये है कि जो जो क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल है उसमें से सिर्फ उतने ही मार्क्स का क्वेश्चन आपके पास आएगा। ठीक है, आप लोग क्या करते हैं कि आप लोगों के पास व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पे या और किसी सोशल मीडिया पे क्वेश्चन शेयर किए जा रहे होते हैं और आप बगैर किसी तस्दीक के उनको याद किए जा रहे होते हैं, उनको रट्टा लगाए जा रहे होते हैं, जिसकी बेस पे काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बाद में कहते हैं कि जी हमने तो पेपर ठीक किया था, हमारा आंसर गलत लगा दिया गया। जब आपने आंसर ही गलत याद किया होगा, उसको बेरेक से टैली नहीं किया होगा, बेरेक से कंपेयर नहीं किया होगा, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि आपका आंसर ठीक था या गलत। कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान 5 मार्क्स का है और इसमें आपके पास 8 केसेस हैं, जिसमें से सिर्फ 5 MCQs आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, वो ही आपने प्रिपेयर करने होते हैं। मौलवी तमीजुद्दीन, द स्टेट वर्सेज दोस्तू, मिस आसमा जलानी वर्सेज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, बेगम नौसर भुट्टो वर्सेज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, मोहम्मद नवाज शरीफ वर्सेज प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान, अल जिहाद ट्रस्ट वर्सेज फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, जफर अली शाह एंड अदर्स वर्सेज जनरल परवेज मुशरफ, और जो आखिर में आपके पास है खान असवंग यार वली एंड अदर्स वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। ये 8 केसेस है, इन 8 केसेस में से 5 क्वेश्चन आने होते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, जिनको आपने याद करना होता है, जिनको आपने स्किप करना होता है, और इस तरह केसेस में आपके लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 आपका 10 मार्क्स का होता है। फंडामेंटल राइट्स हैं इसमें, फ्रॉम द प्रीएम्बल टू आर्टिकल्स 40, पार्लियामेंट आर्टिकल्स 50 to 89 और जुडिकेटर आर्टिकल 175 to 212। ये सिर्फ आपके पोर्शन होते हैं जो आपने कॉन्स्टिट्यूशन में से याद करने होते हैं, जो 10 मार्क्स होते हैं। नेक्स्ट है आपके पास इंटरनेशनल लॉ 5 मार्क्स का, यूनाइटेड नेशंस चार्टर एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंग्लिश स्टूडेंट्स आपके पास 5 मार्क्स का होता है। इंग्लिश स्टूडेंट्स की आपकी बुक होती है जो सर जॉन सालमन की होती है और ये LLB स्टूडेंट्स इसको मस्ट रीड करते हैं। ठीक हो गया, इस्लामिक जो स्टूडेंट्स की भी आपके पास बुक मौजूद होती है जिसमें 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जो प्रोफेसर इमरान एहसन खान नियाज़ी की लिखी गई है। सिविल लॉ में आपके पास 20 मार्क्स का पोर्शन होता है, जिसमें सबसे पहले आपके पास प्रीएम्बल से सेक्शन 12 तक, 15 to 20, सेक्शन 47, सेक्शन 75, सेक्शन 96, सेक्शन 104,
सेक्शन 115, सेक्शन 151 ये इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके अलावा आपने कुछ भी याद नहीं करना होता। उसी के साथ साथ आपके पास सिविल लॉ में ऑर्डर्स भी मौजूद होते हैं। अब उन ऑर्डर्स को आपने देखना है, सबको नहीं याद करना, जो ऑर्डर्स यहाँ मेंशन किए गए हैं आपने सिर्फ उन्हीं को याद करना होता है। ऑर्डर नंबर 1, 6 to 9, 39, 41, 43। क्रिमिनल लॉ पाकिस्तान क्रिमिनल कोड 10 मार्क्स है हमारे पास। चैप्टर नंबर 2 जनरल एक्सप्लेनेशन एंड डेफिनेशन, चैप्टर नंबर 4 जनरल एक्सेप्शन, चैप्टर नंबर 16 ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, चैप्टर नंबर 16 to 8 रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, चैप्टर नंबर 17 ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। ये आपके पास चैप्टर्स मौजूद होते हैं जिनमें आपने याद करने होते हैं, और इनके अलावा आपने कोई भी ऐसा चैप्टर याद नहीं करना होगा जो सिलेबस में मेंशन है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 10 मार्क्स का है। चैप्टर नंबर 1 में प्रिलिमिनरी डेफिनेशंस है, चैप्टर नंबर 5 में अरेस्ट एस्केप एंड रीटेकिंग है, चैप्टर नंबर 7 प्रोसेसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड अदर मूवेबल प्रॉपर्टीज एंड फॉर द डिस्कवरी ऑफ पर्सन रॉन्गली कन्फाइंड, चैप्टर नंबर 8 में सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर, चैप्टर नंबर 10 रिलेटेड है पब्लिक नॉइजेंस से, चैप्टर नंबर 11 temporary orders in urgent cases of nuisance and apprehended danger, chapter number 14 information to the police and their powers to investigate FIR, chapter number 16 complaints to the magistrate, chapter number 17 the commencement of proceedings before the court, chapter number 31 appeals se related hai aur chapter number 39 bail se related hai। ये chapters हैं जिनको आपके syllabus में mention किया गया है, और इसमें से सिर्फ 10 questions आते हैं। ठीक हो गया। लॉ ऑफ एविडेंस है 20 मार्क्स का, कानून शाह ऑर्डर है 1984 का, प्रीएम्बल है आर्टिकल 1, 2, 166 और प्रोफेशनल एथिक्स है 10 मार्क्स के, कैनन्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एटिकेट ऑफ एडवोकेट्स एंड चैप्टर नंबर 12 रूल 134 to 175 बी ऑफ पाकिस्तान लीगल प्रैक्टिशनर एंड बार काउंसिल रूल 1976। ये था आपका सिलेबस जिसको आपने याद करना है। उसके अलावा आज हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं मेजर रीजंस ऑफ स्टूडेंट्स फेलियर इन लॉ गेट टेस्ट। सबसे पहली चीज कि आप सिलेबस नहीं देखते, लॉ गेट का करिकुलम नहीं देखते, जो आपको देखना चाहिए और जो आपके लिए जरूरी है। अगर जरूरी ना होता तो ना पाकिस्तान बार काउंसिल आपका सिलेबस मेंशन करते और ना ही एचईसी वाले। ठीक है, तो अपना सिलेबस जरूर देखा करें। अच्छा, आपका पेपर पैटर्न किस तरह का होता है ये भी आप नहीं चेक करते, और अनफेमिलियरिटी होती है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी ये कैसे हो गया। और इसके अलावा आप लोग बेरेक नहीं रीड करते, आप लोग रेडीमेड बुक्स रेडीमेड नोट्स यूज कर रहे होते हैं जिसमें पुअर इंग्लिश होती है या वीक इंग्लिश होती है, वही आप लोग रट्टा लगा के चले जाते हैं, और जब आपके पास लीगल लैंग्वेज आती है तो आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस उन लोगों में पाया जाता है जो कहते हैं हम कर लेंगे, हम एक हफ्ता पहले तैयारी कर लेंगे, क्लासेस की क्या जरूरत है, और नोट्स बनाने की क्या जरूरत है, नोट्स बनाने पे टाइम वेस्ट होता है। मतलब ये चीजें आपके लिए, अब आप लॉ ग्रेजुएट हैं, अब आप एक वकील बनने जा रहे हैं, तो जब तक आप खुद ही अपने लिए एफर्ट्स नहीं करेंगे तो आप अपने केसेस में कैसे एफर्ट्स करेंगे। स्टडिंग फ्रॉम लॉ गेट बुक्स कंटेनिंग एरर्स और इररिलेवेंट कंटेंट। इररिलेवेंट कंटेंट की बात ऑलरेडी मैंने कर दी है कि आप कहीं से भी कोई भी चीज उठाकर पढ़ना शुरू कर देते हैं और आपको पता ही नहीं होता कि आपके सिलेबस में ये चीज है या नहीं है, तो वो बुक्स पढ़ा करें जो रिलेटेड हैं, और वो बुक वो चीज़ें वो नोट्स याद किया करें जिनमें एरर्स ना हो। सीकिंग गाइडेंस फ्रॉम इंडिविजुअल्स लैकिंग प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ गेट पैटर्न। अब आप लोग कचहरी जाते हैं, अपने सीनियर्स के साथ उठते बैठते हैं और आप उन लोगों से पूछना शुरू कर देते हैं जिन्होंने लॉ गेट नहीं दिया हुआ होता, क्योंकि लॉ गेट इंट्रोड्यूस हुआ था 2017-18 में। उसके बाद उससे पहले जिन लोगों ने भी टेस्ट दिया उन्होंने इंटीमेशन टेस्ट दिया। इंटीमेशन टेस्ट जो था वो 75 मार्क्स का अलग पोर्शन था, 25 मार्क्स का अलग पोर्शन था, जिसमें आपके पास पूरे पूरे क्वेश्चन लिखने के लिए होते थे। ठीक है, अब जो आपका लॉ गेट का सिलेबस है या लॉ गेट का जो पैटर्न है वो आपका सिर्फ इन एमसीक्यूज पर रिलेट करता है। अब आपने इन्हीं चीजों को पढ़ना होता है और आप उन लोगों से पूछ रहे होते हैं कि जी हम लॉ गेट की तैयारी कैसे करें जिन्होंने पहले ये पेपर नहीं दिया हुआ। सीकिंग प्रेपरेशन असिस्टेंस फ्रॉम इंडिविजुअल विद इनसफिशिएंट नॉलेज ऑफ लॉ। वो लोग जिनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है स्पेशली लॉ गेट के हवाले से, तो आप उन लोगों से पूछ लेते हैं कि जी हम सीपीसी में क्या प्रिपेयर करें, हम
सीआरपीसी में क्या प्रिपेयर करें, हम क्यूएसओ में क्या प्रिपेयर करें, तो जिन्होंने सिलेबस ही नहीं पढ़ा, जिन्होंने देखा ही नहीं कि सिलेबस में क्या चीज है और क्या चीज नहीं है, वो आपको कैसे गाइडलाइन दे सकते हैं? ठीक हो गया, इनएडिक्वेट टाइम मैनेजमेंट, जो भी आपका टाइम होता है आप उसको वेस्ट कर रहे होते हैं, आप स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं डिफरेंट पेजेस पे, डिफरेंट ग्रुप्स में, और जो मटेरियल वहां पर दिया जाता है या जो भी पॉइंट्स वहां पर शेयर किए जाते हैं, आपको कैपेसिटीज याद कर लेते हैं, और वो चाहे गलत ही क्यों ना हो आप याद करके चले जाते हैं और अपना टाइम भी वेस्ट करते हैं और पेपर में 48, 49, 45 मार्क्स लेकर फेल भी हो जाते हैं। तो बजाय इसके कि आप अपनी एफर्ट जाया करें, अपने पैसे जाया करें, अपना टाइम जाया करें, आप बेरैक को खोलें और बेरैक को पढ़ें। ठीक है, इसके बाद मेजर टिप्स हैं आपके पास कि सबसे पहले जो आप वीडियो लेक्चर्स देख रहे होते हैं, अभी भी हमारे सेशन में जो लोग मौजूद हैं मैं उनको यही कहूंगी कि जो सेशन ले रहे हैं वो साथ साथ नोट्स भी बनाया करें। ठीक है, कुछ नोट ऐसे होते हैं जो एन मोमेंट पे आपके पास आ जाते हैं, आपको आपकी नजर के सामने होते हैं और आपको उनको ढूंढना नहीं पड़ता, शफल नहीं करना पड़ता, तो वो नोट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। वन लाइनर नोट्स बनाया करें जिनमें सेक्शन लिखा, आगे थोड़ी सी उसकी डिटेल लिखी कि हाँ इस सेक्शन में ये चीज बताई जा रही है। रिवाइज पास पास पेपर होते हैं उनको यूज किया करें, उनको पढ़ा करें, उनको रिवाइज किया करें, उनमें देखा करें कौन से एरर्स आपको नजर आ रहे हैं, वो निकाल कर उसको बेरैक से टैली किया करें कि कहाँ पर क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया करें, बेरैक्स को यूज किया करें, डेली प्रैक्टिस किया करें, डेली एक सेक्शन पढ़ा करें या एक पेज पढ़ा करें। सॉल्व पास पेपर्स डू प्रैक्टिस, अपने पास पेपर्स को सॉल्व किया करें और प्रैक्टिस किया करें, पास पेपर्स को भी उस तरह सॉल्व किया करें कि आपने बेरैक को पढ़ा हो। ठीक है, और जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं उन पे टाइम मत वेस्ट किया करें, वो लोग वो ही कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं जो एक जगह से देखते हैं दूसरी जगह चिपका देते हैं। तो सबसे बेहतर ऑप्शन आपके पास बेरेक्ट होता है, आप कंटेंट्स खोलें, उनको याद करें, उसके बाद अपना सेक्शन रिवाइज करें। सबसे लास्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो आपसे शेयर करूंगी कि जो आपको बबल शीट दी जाती है उसके नीचे कार्बन पेपर होता है, उसके नीचे एक और शीट होती है। ठीक है, जब आप अपना बबल शीट फिल कर रहे होते हैं तो कार्बन पेपर से आपके आंसर शीट पे फिल हो जाता है जो आपने घर लेके आना होता है। अब बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो बाद में कहते हैं कि मैम हमें तो पता ही नहीं चला, हमने तो बबल सिर्फ जो कॉपी एग्जामिनर को जमा करानी थी तो उन उसमें फिल किए, दूसरा तो हमें पता ही नहीं चला, उस पर तो निशान लगे ही नहीं। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि जब आपको बबल शीट मिला करे तो आप उस पर चेक किया करें कि जो आपका कार्बन पेपर है वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। उसमें ये होता है कि आपके पास लास्ट में थोड़ी सी जगह खाली होती है, वहां पर आप अपना पेन चला कर देखा करें कि जो पेन आप यूज कर रहे हैं वो आपका जो कार्बन पेपर है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहा, उस पर जब आप लिखते हैं तो वो दूसरी तरफ लिखा हुआ आ रहा है या नहीं आ रहा, कॉर्नर पे उसको सिर्फ चेक कर लिया करें। तो ये चीजें आपको पता चल जाएंगी कि आपका पेन किस तरह से काम कर रहा है। अगर आप बॉल पॉइंट यूज कर रहे हैं दैट इज वेल एंड गुड, अगर आप जेल पेन यूज कर रहे हैं दैट इज वेल एंड गुड, अगर आप यूज कर रहे हैं मार्कर तो डेफिनेटली आपका जो बबल है वो सिर्फ ऊपर वाली शीट पे ही फिल होगा, वो बबल शीट से नीचे दूसरी शीट पे नहीं जाएगा। तो कोशिश करें कि बॉल पॉइंट या जेल पेन को यूज करें। ये था हमारा आज का लेक्चर, ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने कुछ चीजें डिस्कस की, काफी शॉर्ट था क्योंकि हम सिर्फ वही पॉइंट्स आपसे डिस्कस कर रहे थे जो इम्पोर्टेंट थे, हमने एक्स्ट्रा पॉइंट्स को डिस्कस नहीं किया और ना ही अभी हमें उनको जरूरत है। इंशाल्लाह आगे जो हमारी क्लासेस चलती जाएंगी, जो बच्चे हमारी क्लासेस में आज इनरोल हुए हैं उनके लिए हम लोग डिफरेंट तरह के और वन लाइनर और टू पेजेस टाइप जो हमारे नोट्स होते हैं हम वो रखते हैं और वो उनसे शेयर किए जाते हैं क्लासेस में, ताकि उनको जब एक दो दिन पहले रह जाए तो वो उसको पढ़ सके, उनको ढूंढना ना पड़े कि कौन सा सेक्शन किस पेज पे था। ठीक हो गया, इसी तरह अगर आपको हमारी क्लासेस में इंटरेस्टेड है या अगर आप हमारी क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं 03121550543 पे और 03145175178 पर, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट करिएगा और हमसे क्लासेस के बारे में आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। मैं हूं आपके साथ नताशा सेठी, एडवोकेट हाई कोर्ट,
डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जेलर, अगर किसी को नंबर में कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई ऐसे मिस्टेक हो जाती है तो आप हमें गूगल पे सर्च करके भी हम तक पहुंच सकते हैं, और अगर आपको कोई ऐसा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी मैसेज कर सकते हैं। जो आप क्लासेस लेना चाहते हैं या हमसे इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप हमसे जरूर रब्ता करिए। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।